लगता है बिहार में पूरे यादव खानदान के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। लालू पर गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की तलवार लटकी है। तेजस्वी यादव पर इस्तीफे का दबाव है और अब तेज प्रताप यादव के लिए एक बुरी खबर आई है। बीपीसीएल ने तेज प्रताप यादव के लारा पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दरअसल बीपीसीएल ने तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस 17 जून को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि पंप के लिए जमीन अवैध तरीके से ली गई है। कंपनी के फैसले के खिलाफ तेज प्रताप ने स्थानीय अदालत का स्थगन आदेश लाया था। अब अदालत ने उस स्थगन आदेश को हटा दिया और इसके साथ ही बीपीसीएल का फैसला प्रभावी हो गया है। असल में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि अनीसाबाद बाईपास पर जिस जमीन पर पेट्रोल पंप है उसके असली मालिक तेज प्रताप यादव नहीं है। इस आरोप के मद्देनजर बीपीसीएल ने 29 मई को तेज प्रताप को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। शिकायत में कहा गया कि तेज प्रताप ने गलत जानकारी देकर पेट्रोल पंप लिया है। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था जो कि बीत चुका है। तेज प्रताप यादव ने साल 2012 में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था और इस साल 27 फरवरी को लाइसेंस जारी कर दिया था जो लारा ऑटोमोबाइल्स के नाम पर था जिसके मालिक तेज प्रताप यादव हैं। शिकायत के मुताबिक मंत्री ने आवेदन में गलत सूचना दी कि जमीन उनके नाम पर है। जमीन का असली मालिक एके इंफोसिस्टम्स है जिसने कभी तेज प्रताप को अपनी जमीन लीज पर दी थी। इस तरह हाथ में आया एक पेट्रोल पंप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू के लाल तेज प्रताप यादव के हाथों से निकल गया। बीजेपी के सुशील कुमार मोदी जिस तरह हाथ धोकर लालू प्रसाद यादव के परिवार के पीछे पड़े हैं उसके बाद पूरा लालू परिवार मुसीबत में फंसा है। पेट्रोल पंप छीनने के बाद अब शायद लालू एंड फैमिली अगली मुसीबत का इंतजार कर रही होगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।